आराम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड लेके, जिसमें कि एक दोहे की चौपाइयां आप सबको मैं सुना रही हूँ। श्री रामचंद्र जी आप सब पर कृपा करें, बहुत आप सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी मेरी विनती है भगवान जी के चरणों में। जय सियाराम। हमारे 42 भाग हो चुके हैं, 43 भाग अब सुनिए और आनंद लीजिए सुंदरकांड का। जय सियाराम। भाग 43। असी कहीं चला बीबी सनु जब ही आयु हीन बाए सब तब ही साधु साधु जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयु ही हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। जैसे चले विभीषण जी और सबकी आयु कम हो गई, मृत्यु मतलब निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, किससे कह रहे हैं शिव जी? गौरा मैया से। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। साधु का अपमान, अगर साधु का अपमान करोगे तो तुरंत ही उसका हमें दंड मिल जाता है, ये इसमें बताया है। तो विभीषण एक साधु थे ना, भक्त थे श्री रामचंद्र जी के, और उनका उन्होंने अनादर किया रावण ने, तो मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि उसका तुरंत, शिव जी बोल रहे हैं तुरंत उसका फल, दंड का फल मिलता है। जैसा दंड कर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा बोला जाता है। रावण जब है विभीषण त्यागा भयो विभव बिनो तब ही अभागा चले हर सिर रघुनायक पाही करते मनोरथि बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद पर सितरी ऋषि नारी दंड के कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। कैसे चरणों के? भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए कपट को रंग संग धर धाए हरे और सर से रोज पद जे अहो भाग्य में देखाऊ ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जिन चरणों को मतलब राम जी के चरणों को अपने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे,
और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद कने भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकि हूँ इन नयनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकों में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विभीषण जी अब मन ही मन में ये सोचते हुए जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के पास। जय सिया राम। हमारा हुआ 43वां भाग। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जय सिया राम, सब्सक्राइब कीजिएगा।